बर्तन आप नॉर्मल रूटीन लाइफ में हम सभी यूज़ करते हैं बर्तनों को। कभी आपने देखा है बर्तन किस प्रकार बनते हैं? और बर्तन जो लोग बनाते हैं, जिस फैक्ट्री में बर्तन बनते हैं, उस फैक्ट्री का अगर सिस्टम बहुत बेहतर हो जाए, अच्छा हो जाए, तो आपके जो बनाए हुए बर्तन हैं उनकी डिमांड या उनकी पहुंच बहुत अच्छी हो सकती है। आपके दिमाग में नए नए आइडियाज आ सकते हैं बर्तन के लिए। तो वो होता किस प्रकार है? आप जो बर्तनों में भी कई सारी कैटेगरी हैं, स्टील के बर्तन भी हैं, एल्युमिनियम के बर्तन भी हैं, या कुछ पीतल के भी कुछ लोग बर्तन बनाते हैं और कुछ तांबे के भी। तो आज बात करते हैं स्टील के बर्तन बनाने के लिए हम किस प्रकार लाभ उठा सकते हैं। हम वास्तु के द्वारा अपनी फैक्ट्री या जहाँ पे हमारे बर्तन बन रहे हैं वहाँ पे हम किस प्रकार वास्तु का उपयोग कर सकते हैं। तो आपको एक सिस्टम देखना है जो उन्हें चाहिए। क्या क्या चाहिए? स्टील, स्टील की चादरें भी आती हैं, या स्टील को कुछ लोग अपने यहाँ बनाते भी हैं। लेकिन नॉर्मल क्या है, स्टील ज़्यादातर रॉ मटेरियल के रूप में आपके पास आया और उससे आपने अपनी ज़रूरत के हिसाब से बर्तनों की शेप बना दी। जहाँ आप बैठ के काम कर रहे हैं, जो स्टील के बर्तन हैं वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं? वो करते हैं पूरब की दिशा को। स्टील के बर्तन आपकी पूरब की दिशा को रिप्रेजेंट करते हैं। यदि आप पूरब की दिशा में स्टील का सामान रखेंगे तो क्या होगा? आपको लाभ होगा। तो उसके लिए आपको फेसिंग क्या चाहिए प्लॉट की? वेस्ट फेसिंग या साउथ फेसिंग? यदि वेस्ट फेसिंग है तो भी आपका फायदा है, यदि साउथ फेसिंग आपकी फैक्ट्री है तो भी आपका लाभ है। तो वो लाभ किस प्रकार चेक करते हैं आप? जो भी आप बर्तन बना रहे हैं, क्योंकि ईस्ट रिप्रेजेंट करता है स्टील को, और स्टील का सामान आप कहाँ रख सकते हैं? क्योंकि आपको रॉ मटेरियल भी रखना है, आपको फिनिश मटेरियल भी रखना है। यदि आपके नॉर्थ फेसिंग फैक्ट्री हो गई तो आप कहाँ रख सकते हो? ईस्ट में रख सकते हो या साउथ में रख सकते हो। जिस प्रकार इंटीरियर के अंदर साउथ साउथ वेस्ट से लेकर नॉर्थ वेस्ट तक पूरब की दिशा अवॉइड होती है, मतलब स्टील या स्टील जैसी कोई भी प्रोडक्ट अवॉइड है, तो आपको गेंस मिलने में परेशानी हो जाएगी। तो आपको चयन करना है सही दिशा का। आप ये ना समझें कि हमने ईस्ट की दिशा में बहुत सारा स्टील ला के डाल दिया तो स्टील की दिशा वो भारी हो गई, ऐसा नहीं है। सेल्फ कलर या सेल्फ प्रोडक्ट या सेल्फ तत्व आपस में ना बढ़ाता है ना घटाता है। घटाने और बढ़ाने का काम कौन करते हैं? फादर एलिमेंट या सन एलिमेंट। तो इसलिए आप जो भी ऑब्जेक्ट वहाँ रख रहे हैं उन ऑब्जेक्ट को आपको देखना है वो किस दिशा से रिप्रेजेंट करते हैं। यदि आप अपना रॉ मटेरियल ईस्ट में रख देंगे तो भी अच्छा काम करेगा, यदि NNW में रख देंगे तो भी अच्छा काम करेगा, नॉर्थ में रख देंगे तो भी अच्छा काम करेगा, साउथ में रख देंगे तो भी रॉ मटेरियल कुछ ना कुछ एक्टिविटी में रहेगा। यदि यही उठा के आपने वेस्ट में रख दिया तो आपकी लोगों के साथ दूरी बन जाएगी। आपके हाथ में जो गेंस आने हैं मेटेरियल को बेचकर जो पेमेंट आना है वो पेमेंट आने में
आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, और जो आप प्रॉब्लम फेस करोगे वो आपकी फैक्ट्री के लिए नुकसानदायक होगी। वो आपकी फैक्ट्री जिस लाभ के साथ चलनी चाहिए उसमें कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस आनी शुरू हो जाएगी। यदि आप देखते हो जो आपकी मशीनें हैं वो ईस्ट में भी लग रही हैं तो भी परेशानी वाली कोई बात नहीं है, कोई भारीपन नहीं है। भारीपन का मतलब है एंटी एक्टिविटी। छोटा सा आपके पास मैं एग्जांपल देता हूँ, कोई व्यक्ति आपसे कहे पुराने अखबार का बंडल आपको दे, 10-20 किलो वजन है उसके अंदर, कि आप ये ले लो और ये आप अपने उठा के ले जाओगे, हमने ये आपको दे दिया, और स्थिति ये है कि आप उससे मना भी नहीं कर सकते कि नहीं मैं नहीं ले रहा हूँ। वो आपको उठा के लाना इतना भारी हो जाएगा कि मानो आप कितने कुंटलों का सामान उठा के ला रहे हैं बेवजह बेमन से। यदि उसकी जगह कोई व्यक्ति आपको ऐसा सामान दे जो आपके लिए बहुत लाभदायक हो, या आपको कुछ चांदी की ईंटें दे दी हों किसी ने, या कुछ नोटों के बंडल दे दिए हों जो उठाए नहीं जा रहे, आपके भारी लग रहा है आपको, लेकिन आपको उठाने में बिल्कुल भी भारीपन महसूस नहीं होगा, तो एंटीविटी आपके लिए क्या हुई? जो काम आप बेमन से और बेफिजूल कर रहे हैं वो आपके लिए एंटी एक्टिविटी हुई। जिस चीज़ को उठाने में आपका मन आपके साथ है वो आपके फायदे का सौदा हुआ। तो यही स्थिति आपके फैक्ट्री के अंदर भी है। जो भी आप मशीनें लगा रहे हैं वो आपको देखना मशीन काम क्या कर रही है। यदि मशीन प्रेस वाली है तो आप साउथ में लगा सकते हैं, यदि मशीन घूमने वाली है वो ईस्ट में लगा सकते हैं। कलर को चेंज कर लेंगे, मशीन के कलर आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। यदि आप कहते हैं नहीं चेंज कर पा रहे तो आप वहाँ पर उन्हें बैलेंस करेंगे, जो मशीनों के ऊपर आप उस कलर की लाइट का फोकस देंगे जो उसे बैलेंस करेगा। जैसे आप कहते हैं ईस्ट के अंदर हमारी ग्रे कलर की या ब्लैक कलर की मशीनें आ रही हैं, हम उन्हें कलर चेंज नहीं कर सकते, अगर हम उनके कलर चेंज करते हैं तो हमारी गारंटी या जो उनकी हमारी AMC वगैरह है वो हमारी ख़त्म हो जाएगी, ठीक बात है। तो आप उनको मैनेज करेंगे कलर करके, कलरों के बल्ब लगा के, उसके ऊपर लाइट तो डाल ही सकते हैं, उसके ऊपर आप बैलेंस करने के लिए जैसे ग्रे कलर की मशीनें हैं या ब्लैक कलर की मशीनें हैं तो आप उसके ऊपर ब्लू कलर की लाइटें, या अगर पेपर चिपक सकता है ग्रीन कलर का या उसके नीचे ब्लू कलर का कुछ आप कारपेट डाल सकते हैं तो भी आप उससे बैलेंसिंग कर लेंगे। इसी प्रकार आप साउथ में कोई मशीन आ गई है काले कलर की या ग्रे कलर की तो उस पर आप येलो कलर की लाइटें डालेंगे या येलो कलर का आप उस पर पेपर चिपकाएंगे। वहाँ से मशीनों को बैलेंस कर दिया। तो मशीनें बहुत तरह की हैं, प्रेस करने की मशीन हो गई, घूमने की मशीन हो गई, या फायर से रिलेटेड कोई मशीन हो गई। तो यदि फायर से रिलेटेड मशीन है तो आपको यदि वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में भी लगाना चाहते हैं तो वहाँ भी लगा सकते हैं।